क्रिकेट खेलना आता है उन्हें। जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए। और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अब ये वीडियो आप देखो दोस्तों। अगर MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। अगर आज कोई बंदा इंडिया में ट्रेंडिंग पे है तो वो एक ही इंसान है जो है ध्रुव राठी। अब इस साल 2024 में हमने बहुत सी कंट्रोवर्सीज देखी है लेकिन आई थिंक ये सबसे बढ़िया है। आई एम टॉकिंग अबाउट अभी एंड न्यू वर्सेस ध्रुव राठी। अभी के लिए तो ये मामला वन साइडेड है लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो हुआ ये कि ध्रुव राठी ने कुछ दिन पहले 19 मई 2024 को एक वीडियो डाली जिसका टाइटल था द नरेंद्र मोदी फाइल्स, जिस पर अभी 15 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा है। उस वीडियो में 21 मिनट्स पर अगर आप देखोगे क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में बात करी गई जिसमें अभी एंड नियो का क्लिप यूज किया गया। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन अभी एंड नियो इस चीज पर ऑफेंड हो गए और ध्रुव राठी के अगेंस्ट ट्वीट करने लगे इनडायरेक्टली, जो ये इस वीडियो से भी पहले करते थे। आप ये ट्वीट देखो दोस्तों। अभी लिखते हैं कि असल डिक्टेटरशिप में अगर कोई बंदा ऐसी वीडियोस बनाता है जिसमें वो देश के PM को डिक्टेटर बोलता है, उन वीडियोस को रिलीज ही नहीं होने दिया जाता। अभी आप सोचो आपके दिमाग में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर को अपने वीडियोस में डिक्टेटर बोलता हो। और यहाँ अगर आप देखोगे क्लियरली वीडियोस का मेंशन है, साफ बात है कि वो ध्रुव राठी के बारे में बात कर रहा था। इनके इस ट्वीट के बाद इनको बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगी ध्रुव राठी के फैंस से। लेकिन अभी ट्वीट में बोलते हैं मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो जनरली ट्वीट किया था, जैसे लोग बेवकूफ़ है और किसी को समझ ही नहीं आता। लेकिन ये बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता, इसको बार बार अटेंशन चाहिए थी, बार बार ध्रुव राठी को पोक कर रहा था बाय सेइंग वर्ड्स लाइक जर्मन शेफर्ड एटसेट्रा। और इसका भी ध्रुव बहुत ही बढ़िया रिप्लाई देते हैं। देखो हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो तो इनको क्या जवाब। ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहां पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? लेकिन इसके बाद भी ध्रुव राठी ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी। फिर अभी ने प्रॉपर एक 13 मिनट्स की वीडियो डाली जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, मतलब इतनी फालतू चीज मैंने आज तक नहीं देखी है, जिस पर बाद में हम बात करते हैं कि क्यों किया। लेकिन कोई डंक का पॉइंट तो होता वीडियो में, कोई लॉजिक तो दो अपनी वीडियो में। जैसे ध्रुव राठी अपने वीडियो में BCCI सेक्रेटरी जय शाह के बारे में कहते हैं। BCCI को देख लो, BCCI का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें। माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है। I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। चलो दोस्तों अब इनके इस वीडियो को रिप्लाई देते हैं। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की, पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही। चरण वंदना एज ए मेटाफर यूज किया था ध्रुव राठी ने। चरण वंदना करने का मतलब ये नहीं कि तुम सीधा मोदी के पैरों पे पड़ो, मतलब तुम गोदी यूट्यूबर मोदी के पालतू हर जगह पहुंच जाते हो पापा को डिफेंड करने के लिए, ये चरण वंदना नहीं है तो और क्या है? अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। चलो दोस्तों आप इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। अब देखते हैं इनके चरण वंदना के कुछ एग्जांपल्स। जब ध्रुव राठी कोई स्कैम एक्सपोज करते हैं या गवर्नमेंट को कोई सवाल करते हैं तो इन गोदी यूट्यूबर्स को मिर्ची क्यों लगती है? और जब तुम भी स्कैम को दिखाते हो मणिपुर पे, MSP पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो नेशनल अवार्ड तो तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए, तो मिला है ना, तो ये चरण वंदना नहीं है तो और क्या है? वरना दूसरी तरफ ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, खान सर, आकाश बनर्जी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स को क्रिएटर्स अवार्ड क्यों नहीं मिलता? बात तो सही है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। डियर ध्रुव राठी,
जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए। अरे बस कर भाई, मणिपुर पे सवाल? कौन सा सवाल भाई, क्योंकि पूरी वीडियोस में तो सवाल कहीं नजर ही नहीं आया। ये चरण वंदना नहीं है तो और क्या है? इस बंदे ने डायरेक्ट कहा, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. लेकिन लेकर स्कैम को स्कैम का, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि बीजेपी को क्यों ब्लेम किया जा रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी ने शुरू किए थे, ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। और इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही हुआ है। मतलब इनके पापा का स्कैम स्कैम नहीं, मगर अपोजिशन पार्टीज का स्कैम स्कैम है। बात तो सही है। तो ये चरण वंदना नहीं है तो और क्या है? दोस्तों आपको याद होगा जब 2 महीने पहले ध्रुव राठी की फर्स्ट वीडियो आई थी डिक्टेटरशिप पे, अभी एंड नियो को तब भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और उन्होंने तब भी ट्वीट किए थे कि जो लोग इंडिया में नहीं रहते, इंडिया में वोट नहीं देते, उन्हें कोई हक नहीं है हमें बताने का कि हमें किसे वोट देना चाहिए। अगेन दे वर डिफेंडिंग मोदी। अगर आप इनके चैनल पे जाओगे तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी पाकिस्तान पे। दे हैव मेड 13 वीडियोस ऑन पाकिस्तान इन ए वे जो बीजेपी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। बेशर्मी की भी हद होती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री बला बला बला, माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है, माझा देशावर माझा प्रेम। फिर जब वही इंडियन फार्मर मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो अभी एंड नियो कोई कसर नहीं छोड़ते फार्मर्स को बदनाम करने की, जोर फैला के। अब ये वीडियो आप देखो दोस्तों। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। इस वीडियो में काफी सारे झूठ बोले गए हैं और ध्रुव राठी इनको कॉल आउट करते हैं और बोला तुम अपने वीडियोस में झूठ बोल रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, और आज तक उन्होंने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब लास्ट में दोस्तों आप इनकी पुरानी क्लिप देखो। चाइना एक डिक्टेटरशिप है जो एनवायरनमेंट की, अपने लोगों की परवाह किए बगैर डिसीजंस लेता है, और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अरे बस कर भाई। कंट्रोल। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अवार्ड मिलने से पहले कुछ और ही बोलते थे और अब अवार्ड मिलने के बाद अलग ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।